कहा इसमें तो पूरा का पूरा है, एक एक चीज हमने तो कुछ चीजों को बताया, देख लीजिए कितने लोगों का डेथ होता है, किस किस बीमारी से जो डेथ हुआ उसमें शराब पीने के कारण कितनी बीमारियों का डेथ, आप सोच लीजिए। तो आप सोच लीजिए इसी तरह से एक एक चीज जो है, लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48% के कुल मामलों का, यानी 48% के कुल मामलों का 26% प्रेक्या की गंभीर बीमारी के 26%, आज ये सब जो है शराब सेवन के कारण। अब जब इतना बात जब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने ये बात कह दी, अब उसके बाद नहीं सोते हैं, अन्ना बापू का बात सुनिए, तो ये तो बहुत बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में इन बातों का जान बुझ करके लोगों को एक जगह एक एक नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों को दिखा दीजिए, ताकि वो जानेगा कि कितना बुरा चीज है। और वही नहीं, उसके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह, ये सब चीजों के लिए भी जो सब बात हम लोग कहवा रहे हैं कि जो गलत चीज नहीं करना चाहिए। तो हर हालत में इन सब चीजों के लिए और नशा मुक्ति के लिए ये काम पूरे तौर पर कराइए। तो इसको लिए और शराबबंदी को तो आप सब कुछ दिखाए हैं, कड़ाई से लागू करा रहे हैं, तो चलिए जो सब काम तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो बस अनुरोध यही है कि आप निश्चित रूप से जितने लोग हैं शराब के धंधे में जो लग गए, जो हमने पहले बता दिया, और उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनको ऑफर दीजिए कि हम आपको 1,00,000 रुपए का मदद करेंगे, आप शराब के काम से मत जुड़े रहिए। लेकिन हाँ, शराब का जो असली काम मूल रूप में करता है, पकड़ा तो बहुत रहा है, पीने वाला पकड़ा रहा है, और जो शराब वाला काम कोई धंधा कर रहा है उस काम में कुछ गरीब गुरबा लगा हुआ वो पकड़ा जाता है, असली वाला कुछ पकड़ाता है, सब नहीं पकड़ा। तो जरा सा हम तो जितने हमारे पुलिस वाले लोग हैं, सब बार बार करते हैं, इन लोगों के साथ जब मेरी मीटिंग होती है 2-3 महीना में एक बार बैठ करके हम रिव्यू करते रहते हैं। हम कहते हैं कि अरे भाई सब शपथ नहीं लिया जी, पुलिस वाले बैठे हुए सब पुलिस वाले भी हैं, कितने लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन बाकी सबको प्रेरित न करिए जी, प्रेरित करिए। आपको पुलिस वाला भी खुद शराब पीता है, उसको बचाता है, सब जगह तो बहुत तरह का काम किए, आपका दोस्त 200 जगह पर नहीं हुआ है कोई आज तक। तो जरा देखिए ना कि उन पंचायतों में क्यों नहीं कुछ देख रहा है, मैंने पंचायत नहीं, मैंने आपका थाना में क्यों नहीं देख रहा है। तो इन सब चीजों को भी देखिए कि कहीं और भी तो कुछ है, सबको देखिएगा, और अगर पुलिस वाला अलर्ट रहेगा कि सही मायने में कौन है, भीतर का बाप पुलिस को नहीं पता रहता है, ऐसा है जो कोई पुलिस वाला जिसको भीतर का बाप नहीं पता रहता है, सबको पता रहता है भीतर ये बात। अब अगर वो करेगा तो हम तो एक बार कहेंगे, इसमें सब लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, और सब लोगों को यहां पर अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं, और सब शपथ लेते हैं। आज ही कितना जीता हुआ, 10,000 से भी ज्यादा का सबका शपथ ही हुआ। अब सवाल है खाली शपथ लीजिएगा और कीजिएगा नहीं, ये ठीक नहीं, पूरे तौर पर इसका पालन करवाइए, और सही मायने में जो दारू का धंधा करने वाला है, या तो खुद अपना देसी बनाता है, या कुछ लोग बाहर से विदेशी ला करके अपना बेचने की कोशिश करता है, कुछ दूसरे लोगों से लेकर के बटवाता है, तो असली लोगों को आप जब पकड़ लीजिएगा। आप पटना के डीएम को तो पुरस्कार दे दिया गया, हम तो पटना के डीएम को जब ही हमसे मिल जाते हैं एयरपोर्ट पर, जब हम आते हैं कहीं जाते हैं बाहर हेलीकॉप्टर से लौट के आते हैं, लोग आता है दोनों डीएम और सीनियर एसपी दोनों पाइए, दोनों को हम यही कहते हैं कि जरा बिहार में ठीक कर, अभी तो पुरस्कृत किया गया है, लेकिन बिहार में जिस दिन आप पूरा ठीक कर लीजिएगा, ये पूरा बिहार ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा जितरिया में गड़बड़ है, अगर कहीं तो बिहार पटने में था, देख लीजिए जितरिया बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यही सनद धराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जरा पटना पर भी नजर रखिए,
सब पटना पर तो कुछ करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे। जब सही माने में पूरा करते रहिएगा तो पटना वाला जब पूरा होगा तो बाकी वाला डरेगा नहीं, पूरा ठीक हो जाएगा। काम तो किया, लेकिन अब इसीलिए दिया गया है कि पूरा काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। कहा गया सिंह, आइए पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा।